दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर कामाख्या मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया। तंत्र साधना और अघोड़ियों के गढ़ माने जाने वाले कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत है जहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में। पहला, कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ है। यहाँ पर दुर्गा या अम्बे माँ की कोई मूर्ति देखने को आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक कुंड सा बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और उससे हमेशा प्राकृतिक जल निकलता रहता है। दूसरा, पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। हर साल यहाँ पर अंबुवाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद श्रद्धालुओं के मंदिर में काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। तीसरा, इस मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब तो वह वस्त्र माता के रथ से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। चौथा, यहाँ पर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इस जगह पर एक समतल चट्टान के बीच बिना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। माना जाता है कि इस जल के नियमित सेवन से आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। पांचवा, यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। भैंसे और बकरी की बलि तो यहाँ पर आम है, लेकिन यहाँ पर किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। इसके साथ ही मान्यता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन और भंडारा करा सकते हैं जिससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। छठा, इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधुओं और अघोड़ियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वो यहाँ पर आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। सातवां, कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। आठवां, कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता। वही दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं जहाँ पर एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने की 3 दिन माता को रजस्वला होता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद ही रहते हैं। 3 दिनों बाद दोबारा बड़ी धूमधाम से मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। नौवां, इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजित मिलेगी जिसे कामा देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर परिषद में आपको कई देवी देवताओं की आकृति देखने को मिल जाएगी। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी हर मुरादें पूरी होती है। दसवां, कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि जागृत होने पर भगवान शिव ने अपने 3रे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था।